रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हमीरपुर एनआईटी संस्थान की प्रताड़ना से तंग आकर सफाई कर्मचारी ने पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। सुबह के समय एनआईटी में कार्यरत सफाई कर्मचारी मोहनलाल ने कमरे के अंदर पेट्रोल छिड़का और खुद को आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन एन मौके पर सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और ऐसा नहीं करने दिया। वहीं सफाई कर्मचारी के द्वारा एनआईटी प्रबंधन के द्वारा शोषण किए जाने के बाद आत्महत्या करने मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। एसएचओ संजीव गौतम ने कर्मचारी मोहनलाल से गहन पूछताछ की और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर एनआईटी संस्थान की प्रताड़ना से तंग आकर सफाई कर्मचारी ने पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। सुबह के समय एनआईटी में कार्यरत सफाई कर्मचारी मोहनलाल ने कमरे के अंदर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन एन मौके पर सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और ऐसा नहीं करने दिया। वहीं सफाई कर्मचारी के द्वारा एनआईटी प्रबंधन के द्वारा शोषण किए जाने के बाद आत्महत्या करने के मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। एचएसओ संजीव गौतम ने कर्मचारी मोहनलाल से गहन पूछताछ की, मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एनआईटी हमीरपुर में पिछले काफी समय से सफाई कर्मचारियों के शोषण और प्रताड़ित करने की बातें सामने आई हैं, जिसके चलते ही कुछ माह पहले सफाई कर्मचारियों ने करीब एक सप्ताह तक कामकाज ठप रखा था और अब ताजे मामले में सफाई कर्मचारी के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने के मामले को लेकर सभी हैरान हो गए हैं। सफाई कर्मचारी मोहनलाल ने बताया कि सुपरवाइजरों के द्वारा परेशान किया जा रहा है और कभी ड्यूटी हॉस्टल में लगाई जा रही है और कभी कहीं और भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुपरवाइजरों के तंग करने की शिकायतें भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा। मोहनलाल जी, आज जो आप हरकत लगे थे करने, क्या कारण है, क्या क्या स्ट्रेस था आपको इतना ज्यादा? सुपरवाइजरों ने परेशान कर रखा है। क्या क्या किस तरीके की परेशानी करते हुए? जैसे मैंने एक बार ईपीएफ के बारे में डायरेक्टर सर को लिखित में दी थी, तो उसी दिन से मेरे को परेशान कर रहे हैं कि आपने सर के पास लिखित में कारोबार क्यों की, जिन्हों के पास काम किया। फिर मेरी एक दिन तबीयत नहीं थी ठीक, तो उन्होंने पता नहीं क्या बोला, उधर जाके तो उधर से मेरी ड्यूटी चेंज करवा दी। फिर हिमगिरी हॉस्टल में लगा मैं, तो उधर भी काफी परेशान किया मेरे को। आज सुबह क्या किया फिर आपने, क्या हुआ, क्या? मेरे को लेटर भेजे, फिर बोलते हैं कि लिखित में दो कि मैं बीमार रहता हूँ और काम नहीं कर सकता हूँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते? 13-14 साल हो गए सर, आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। आपने कभी इस बारे में अपनी जो कंपनी जिसके पास आप काम कर रहे हैं उससे बातचीत की? एनआईटी कमेटी में दिया मैंने लिखित में, अभी कोई कार्रवाई नहीं। कंपनी वाले सुनते नहीं, कंपनी वाले सुनते नहीं है, सुपरवाइजर तुम्हारी सुनते नहीं है और तंग करते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? मम्मी है, बड़ी मम्मी है, मिसीज है, बच्चे हैं, भाई है। एक अन्य सफाई कर्मचारी ने बताया कि एनआईटी प्रबंधन कर्मचारियों से भेदभाव करता है और कई अधिकारी तो गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं, जिस पर सफाई कर्मचारी दुखी मन से काम कर रहे हैं। अरे संतोष, अभी आउट होना चाहिए तभी हमारा मुद्दा उठेगा। ये बोल रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, नेते भी हमारी हमारे अंडर है। वही मौके पर पहुंचे एसएचओ संजीव गौतम ने बताया कि पुलिस को एनआईटी से सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस एनआईटी में पहुंची थी और सफाई कर्मचारी के द्वारा प्रबंधन से तंग आकर पेट्रोल छिड़कने का मामला बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस पूरी तरह से पड़ताल में जुटी हुई है। थाने में सूचना आई थी कि किसी व्यक्ति ने तेल छिड़क लिया है, तो इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर बलदेव पहले आए थे, पुलिस टीम के साथ मैं भी यहाँ पहुँचा था। मामले में अभी दोनों पक्षों से हम बातचीत कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला इनका आपसी किसी काम को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग का लग रहा है। बाकी इस विषय में हम लोग उस व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं कि उसने तेल छिड़का था या गिरा था, इस व्यक्ति इस बात के विषय में जाँच चल रही है। इनसे अभी हम पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करके ही मामले की पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल व्यक्ति सुरक्षित है और मामले की जाँच चल रही है।